नमस्ते भारत, आप देख रहे हैं WH न्यूज और IBM TV9। मैं विजय खौसे। हम हर सप्ताह एक नया विषय लेकर आते हैं और हमारे साथ हमेशा नागपुर के शहर तना नागपुरी जी होते हैं। आज भी हम एक नया विषय लेकर उनसे चर्चा करेंगे। विषय है जो है राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, वो अभी साउथ का पूरा करके महाराष्ट्र आया, महाराष्ट्र से अभी वो MP में जाएंगी। मगर उस यात्रा को लेकर विवाद भी बढ़ रहे हैं। इसी संदर्भ में बात करेंगे। तना नागपुरी जी, WH न्यूज़ और IBM TV9 में आपका स्वागत है। क्या कहेंगे आप ये जो राहुल गांधी जो भारत यात्रा जोड़ो जो रैली निकाल रहे हैं और पैदल चल के खास करके रैली निकले, क्या संदेश दे रहे हैं भारत, क्या बताएंगे? आदरणीय विनोद जी लोनारे साहब, आपके सामने मैं ये कहूँगा कि हमारे जो राहुल गांधी साहब है, युवा नेता है, कांग्रेस के दिग्गज नेता है, कांग्रेस का दारोमदार है, आज जो भारत जोड़ो यात्रा इसलिए कर रहे हैं कि सांप्रदायिक तनाव कम हो देश के अंदर। मैं इस यात्रा के सहारे कई ऐसे लोग जुड़े जिनके मन में कहीं द्वेष है, जिनके मन में कहीं एक कटुता है कि नहीं भाई, ये कटुता के माध्यम से जो देश के अंदर में जहर फैलाना चाहते हैं, ये जहरीली बातें देश में नहीं होना चाहिए करके आदरणीय राहुल गांधी जी आज भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से एक मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं, शांति का पैगाम दे रहे हैं, और से इस पैगाम के माध्यम से उनसे लाखों लोग जुड़ रहे, इसका तो लोगों ने स्वागत करना चाहिए। अच्छा। इस यात्रा को तो लोगों ने कबूल करना चाहिए, बढ़ चढ़कर झंडा तिरंगा लेकर उसका सम्मान करना चाहिए। मैं भी आपके चैनल के माध्यम से राहुल जी का सत्कार और स्वागत करता हूँ कि इस यात्रा के माध्यम से आप समाज को जो भी एक उन्नति का और देश को प्रगति का पैगाम दे रहे, उसको तस्लीम करता हूँ। बोलिए क्या। वैसे भी उल्लेखनीय एक बात आपके बीच में रखता हूँ चैनल के माध्यम से, दो पंक्तियों का मेरी दो लाइन है कि नेता रोज पैदा होते हैं आंधी की तरह। क्या बात है। नेता रोज पैदा होते हैं आंधी की तरह, मगर मरता कोई नहीं राजीव गांधी की तरह, मगर मरता कोई नहीं इंदिरा गांधी की तरह। इन लोगों ने जिंदगी के अंदर में जो चिड़ने वाले लोग है राहुल गांधी पे, राहुल गांधी के परिवार पे, जो आंख उठाकर देखने वाले लोग है, इनको सत्ता के जो भागीदारी जो आज आयती मिली हुई है, इनको कोई तकलीफ नहीं मिली, यही लोग आज राहुल जी के प्रति कटुता रखते हैं। ये नहीं चाहते कि इस यात्रा के माध्यम से इनका राजनीतिक कद बढ़े, इनका राजनीतिक कहीं ना कहीं सम्मान आगे हो, इसलिए इस यात्रा को कहीं ना कहीं लोगों ने अपने हाथों हाथ बिल्कुल सरपरस्ती में लेना चाहिए और सरपरस्ती में लेके इसके साथ में और भी जुड़ना चाहिए। यात्रा को भी बहुत बड़ा अच्छा नाम भी दिया है, भारत जोड़ो यात्रा, क्योंकि आज की स्थिति में पूरा भारत एक होना चाहिए, मगर आपको लगता है कि पूरा भारत एक नहीं है? बिल्कुल ही नहीं है। ये भारत जोड़ो यात्रा के नाम से क्या कर रहे हैं राहुल, तो मात्रा दिखा रहे हैं। अच्छा। राहुल जी के जज्बात तो कहीं ना कहीं नेस्तनाबूत करने का काम दिखा रहे, राहुल जी के साथ में जो हजारों लोग जोड़ रहे हैं उनको कहीं ना कहीं मानसिक कहीं ना कहीं कमजोर करने का काम दिखा रहे। ये जो अटकेलिया, ये जो गलत काम करने का जो मानस है लोग सहित अरे सियासी रंग देकर जो निभा रहे, इसका तना नागपुरी विरोध करता है। अरे भैया, उस जमाने में एक बात बता दूं विजय जी, लोनारे जी, उस जमाने में आदरणीय आडवाणी जी ने भी ऐसी यात्रा निकाली थी, गांधी जी ने निकाली, मगर उनके वक्त में ये सारी बातें ऐसी खराब करने वाली नहीं आई थी, लोगों का सत्यानाश करने वाली नहीं आई थी, पथराव करने वाली नहीं आई थी। राहुल जी के खिलाफ तुम रिपोर्ट डालते हो, राहुल गांधी जी की जो साउथ का जो पूरी जो यात्रा है पूरा शांतिमय से चली हुई है, और उसके बाद में महाराष्ट्र में जैसी ही यात्रा आई और महाराष्ट्र में उन्होंने एक बिरसा मुंडा के जन्मदिन के ऊपर में, एक सावरकर जी के ऊपर में एक बयान दिया, वहीं से अपना बबल मचा है, तो क्या मेरी ये राहुल गांधी जी का व्यक्तिगत नजरिया है, पार्टी में उनको कुछ ना कुछ बोलने के लिए अगर लगता है कि ये बातें उनके नजर में सच है तो हम कुछ नहीं बोलेंगे, मगर इतना जरूर कहेंगे कि जो बातें सांप्रदायिक तनाव को बढ़ाए, जो कहीं ना कहीं क्रांतिकारियों के जज्बात के साथ में कहीं ना खिलवाड़ करे, जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान देकर कहीं ना कहीं इस देश की आजादी में अपना एक बहुमूल्य समय दिया है, उनके सम्मान को कहीं ठेस पहुंचती है तो मैं उसका कहीं ना कहीं समर्थन नहीं करूंगा, मगर एक बात कहूंगा कि ये उनका नजरिया है। क्या अगर गांधी जी कुछ बोल देते करो या मरो तो क्या गलत बात होती थी? आज आडवाणी जी ने अपने रथ यात्रा के अंदर में हम हिंदुत्व हमारा नारा है करके बोले तो क्या हम वो गलत बात मानते थे? अरे नहीं, ये सारे लोग अपने जगह पे सब सही है। अगर राहुल जी ने, अगर आपको लगता है कि सावरकर जी के बाद में बोला है तो सावरकर जी के प्रति उनके मन में कई अभ्यास करके बोला है। बोला बहुत लोगों ने बोला है। कैसे पर जो भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है, किसी के ऊपर में टिप्पणी टिप्पणी भी करना गलत ही है ना? अरे साहब, भारत जोड़ो यात्रा निकल रहे हैं, जो भारत में अभी की क्या स्थिति है वो लोगों को बताना चाहिए।
हालात नेता उद्धव के ऊपर में टिप्पणी कर हालात को ये लोग कहीं ना कहीं अलग मोड़ पे ले जाना चाहते हैं। आपके माध्यम से बता रहा हूँ कि हालात को कहीं ना कहीं सांप्रदायिक तनाव देके भड़काना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि राहुल की यात्रा वहाँ तक परिपूर्ण हो। अच्छा, ये लोग नहीं चाहते कि राहुल की यात्रा से जो लोग जुड़े उनके साथ में, राहुल की यात्रा को डरे है सर। ये राहुल की यात्रा से डरे करके तो ये तीतम में सावरकर जी को आगे कर रहे हैं। ये हर चीज के अंदर में राहुल जी का मीन मेक निकालते हैं। अगर आपको वहाँ तक के राहुल जी पहुँचेंगे? अरे राहुल जी पहुँचेंगे, किसी के किसी में उतनी ताकत नहीं कि राहुल जी को रोके। राहुल वो हवा का झोंका है जो ठहर नहीं सकता। आधा भारत को पार कर लिया है और उन्होंने अपने जिम्मेदारी से, और जो आज आपने तो एक प्रशंसा करना चाहिए कि ये नौजवान आज इतने बड़े बड़े लोग 2 किलोमीटर चले तो थक जाते हैं। सैकड़ों किलोमीटर चलने वाला अपने मुंह से कभी नहीं बोला कि मेरे पाँव दुख रहे, मेरे हाथ दुख रहे, मेरा ये दुख रहा है, ऐसा कभी नहीं बोला। अरे वो तो एक अलग ही नस्ल है। राहुल गांधी जी के साथ में जुड़ने वाले भी 2000 कदम चलने के बाद में कहने के पलड़ जाते हैं। अगर वो यात्रा आपने सीधी कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, और आपने बोले महाराष्ट्र में, अरे महाराष्ट्र तो कांग्रेस का गढ़ है, महाराष्ट्र में और भी राजनीतिक सभा उसको शुरुआत हुई है। ये सर ये विरोध है ना, दिखावे का रहता है। मैंने आपको पहले भी कहा है कि कुछ राजनीतिक ताकतें नहीं चाहती कि कांग्रेस का बोलबाला बढ़े, कुछ राजनीतिक ताकतें नहीं चाहती कि राहुल गांधी के जरिए और भी हमारा जो राजनीतिक मनसूबा कम हो। इसके ऊपर में राज ठाकरे ने भी कहा है कि हमारे वहाँ पे सभा को रोकेंगे, मन से कार्यकर्ता जाएंगे कल की जो सभा। आदरणीय राज ठाकरे साहब का जो नजरिया है वो चाहते हैं कि हम इसके माध्यम से अपनी राजनीति चमकाए। मन से की राजनीति किसी ना किसी बहाने चमकाने के लिए कारण ढूंढते रहते, वजह ढूंढते रहते। उन्हें लगता है कि राहुल जी का विरोध करने से ही अगर उनको कोई आने वाले दिन में स्वर्णिम सत्ता मिलती है तो हम उसका भी अभिनंदन करेंगे, मगर नहीं, हाई कोर्ट से रुकावटें नहीं आती। आदित्य ठाकरे भी राहुल गांधी के साथ में चलते रहे यात्रा में, तो उनके ऊपर भी सवाल उठने लगे हैं। उद्धव ठाकरे के भी ऊपर में सवाल उठ, क्या ये अच्छी बात है? ये लोकतंत्र के लिए घातक बातें हैं, ये संविधान के भी लिए घातक बातें हैं। आप आदित्य ठाकरे जो लड़का आज पढ़ा लिखा विद्वान है, जो मंत्री रह चुका है, ठाकरे घराने का रश्मो चिराग है, रहे उद्धव जी की बात भी, वो भी कह रहे सांस्कृतिक घरानों से निकले हुए, सियासी घरानों से निकले हुए एक ऐसे उत्तांग लहर की तरह आगे बढ़े हुए हस्ती है, आप उनपे उंगली उठाते हो? अरे नहीं, उंगलियां उनपे उठाओ जो गलत काम करते हैं। उंगलियां सत्ताधारी जो लोगों ने अभी आपके बीच में कितने लोगों ने खोके खोके लिए उनको तो नहीं उठाते हो, मगर आप ऐसे लोगों को उठाते हो जो बेदाग है, आप कहने की कीचड़ उनपे उछालते हो जिन्होंने कभी भी गलत काम नहीं किया। इसलिए राहुल जी की यात्रा में किस तरह से लोग बदनाम हो सकते हैं? आज हम अगर कहे कि तला नागपुरी वो इस राहुल के साथ में अगर 4 कदम अगर चलने की अगर मंशा दिखाए, अरे काय को जाता है, रोकने वाले मिलेंगे। अरे वो नहीं चाहते कि हम इस यात्रा के माध्यम से सामाजिक समरसता को बढ़ावा दे, वो नहीं चाहते हिंदू एकता मुस्लिम एकता आपसी भाईचारे को बढ़ावा दे, ये सद्भावना को रोक कर ये लोग चाहते कि कैसा विश्व मन हो, कैसा जहर समाज में पहले। अरे बाबूजी पहले भी जब हमारे देश के अंदर में आजादी आई थी उसके पहले भी कुछ गलत ताकतों ने देश के अंदर में हिंदू मुस्लिम को लड़वाया था, देश का विभाजन हुआ था। ये फिर से चाहते हैं कि 2024 के पहले राहुल जी की यात्रा में कुछ ऐसा प्रसंग खड़ा करो कि देश के कहीं ना कहीं और टुकड़े हो जाए, देश के अंदर में कहीं ना कहीं घटक बिखर जाए। क्या 2024 के चुनाव को लेकर क्या डर है भाजपा सरकार? भाजपा सरकार को हमारे आदरणीय मोदी जी को, आदरणीय देवेंद्र जी को और आदरणीय उनके सारे माननीय नेताओं को एक विशेष डर क्या लग रहा है कि राहुल अगर ऐसा ही चलते जाएगा तो हमारे जज्बात आने वाले दिन में धूमिल हो जाएंगे। इसलिए हो जाएंगे कि कहीं ना कहीं अब लोगों को समझ में आ रहा है कि मोदी जी की बातें कहीं ना कहीं अब खोटी है, मोदी जी जो बोलते हैं वो बराबर परिपूर्ण कर दी। समर्थन भी बहुत बड़े पैमाने पे राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा को मिल रहा है और मिलेगा, समर्थन क्यों नहीं मिलेगा? युवा है, अच्छा काम कर रहा है, देश को जोड़ने का काम कर रहा है, आप तो तोड़ने का काम कर रहे हो ना। अरे तोड़ने वाले तो देखो मैंने आपको क्या बोला, अरे बिगाड़ने के लिए हजारों हाथ मिल जाते हैं मगर चलने के लिए इनका जो साथ मिला है भारत जोड़ो में, ये सच कुछ काबिले तारीफ। क्या आपको लगता है कि अभी तक के जितने भी यात्राएं हुई लोगों की, जैसा गांधी जी ने भी किया, अडवाणी जी भी किया, क्या ये सबसे ज्यादा ब्रेक और रिकॉर्डर यात्रा बनी? ये विश्व के अंदर में ऐसी यात्रा, विश्व के अंदर में दांडी यात्रा हो या करो मरो के लिए यात्रा हो, कहीं जेल भरो यात्रा हो, हमारे क्या बोले राष्ट्रपिता गांधी जी ने किया है, उनका मैं तो हाथ जोड़ के ये करता हूँ, हमारे आडवाणी ने भी किया है, अब उनका भी हाथ जोड़कर अनुमोदन करता हूँ, जिन माननीय लोगों ने किया है उनका भी करता हूँ। लोकतंत्र में सभी को अधिकार है, मगर जो राहुल जी ने आज अपना मानस व्यक्त करके जो एक नया एक कदम
देश को एक नया कहीं ना कहीं आयाम देने का जो काम किया है आज तक किसी नेता ने नहीं किया। वैसे भी उसको कुछ लोग बुद्धिजीवी लोग बोलते हैं कि इसको कुछ समझता नहीं है। अरे बेटा, जिसको उसको जितना समझता है उतना आपको अंधेवर भी नहीं समझता है। अरे जो लोकतंत्र की भाषा के लिए जो पढ़ाई लिखाई करके आया है वैसे आपने पढ़ाई नहीं की। और आप बताओ ना उनके घराने की जैसी कुर्बानी किसने दी है। अरे आज नेहरू जी के बाद में, इंदिरा जी के बाद में, उनके पिताजी क्या बोलते राजू जी के बाद में ऐसे कौन से नेता ने कुर्बानियां दी है। अरे आज अंग्रेजों के जमाने में उनके पूरे परिवार ने कुर्बानी दी है। आज नेहरू जी कितने बार गांधी जी के साथ में जेल में गए। अरे तुम लोग जो आज राहुल जी के प्रति कटुता रखते हो तुम कितने बार जेल में गए हो। तुम्हारे परिवार ने कितनी कुर्बानियां दी है। कोई इंदिरा गांधी की तरह गोला खाया है क्या। तना जी, जो राहुल गांधी की जो यात्रा अभी चल रही है और साथ ही साथ गुजरात में भी चुनाव है, क्या ये इस यात्रा का कुछ गुजरात के चुनाव में परिणाम होगा क्या। आदरणीय, मैं बता दूं आपको कि गुजरात में जो चुनाव है आने वाले, हिमालय के जो चुनाव है या जहाँ पे भी आने वाले हो गए हैं, यदि कुछ जगह पे और आने वाले जो चुनाव है उस चुनाव के अंदर में कहीं ना कहीं एक अच्छे परिणाम कांग्रेस को मिलने वाले है। इसी से डरे हुए है करके ये राहुल जी के यात्रा को रोकने का कहीं ना कहीं खतरा पैदा कर रहे हैं। राहुल जी के बीच में पग पग बोलकर उनके कहीं ना कहीं कांटे बो रहे हैं, एक अलग तरह की बातें करके उसके मानसिक संतुलन को बिगाड़ना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि यात्रा अगर कहीं ना कहीं बिगड़ जाए तो हमारा हमारे लोगों को बोलने को हो जाएगा कि देखो पहले बोलते क्या यार करते कि हमने यात्रा को रोक के रखा है। यात्रा रुक नहीं सकती है। यात्रा जो क्या है, राहुल की जो आंखें नीचे झुक नहीं सकती है। तारा नागपुरी बोलते हैं कि ये भारत जोड़ो यात्रा रुक नहीं सकती है, ये कश्मीर तक जोड़ जाएगी। बिल्कुल निश्चित ही तना नागपुर जी ये कहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा कहीं रुकेंगी नहीं। लोकतंत्र में सभी को अपना अधिकार है, बोलने का अधिकार है, आंदोलन करने का अधिकार है, भारत जोड़ो यात्रा निकालने का अधिकार है। और ये सारे को जो सुरक्षा देना ये सरकार की जिम्मेदारी है। जिस जिस स्टेट में जो ये भारत यात्रा जाती है वहाँ की सरकार ने इसको सुरक्षा देना चाहिए, न कि इसको इसका वातावरण खराब करना नहीं चाहिए। राहुल गांधी अभी जो है महाराष्ट्र का पार करके वो अभी एमपी में जाएंगे, एमपी से फिर वो यूपी वगैरह, तो कश्मीर तक की उनका पूरा भारत जोड़ो यात्रा है। हम भी हमारे चैनल की तरफ से यही बताएंगे कि ये जो भारत में जो भी जितने भी पॉलिटिशियन लोग जो देश के लिए लड़ते हैं उनके साथ में लोगों ने भी रहना चाहिए, और जो भी अच्छे काम करते हैं उनके साथ में देश हमेशा रहता है, क्योंकि ये देश लोकतंत्र पर चलता है, संविधान पर चलता है, सबको बोलने का अधिकार है और यहाँ पर आंदोलन करने का और भारत जोड़ो जैसी यात्रा निकालने का भी अधिकार है, तो ये सरकार ने इसे सुरक्षा देना जरूरी है। तो आप देखते रहिए संविधान चौक पे, चार लाइन दे रहा हूँ, चार लाइन आखिर की दे रहा हूँ, सुनिए। फिर भी इसके ऊपर में हमारे तना नागपुर जी, ये शायर है, अच्छे कवि है, उनकी चार पंक्तियां आप और दीजिए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ आदरणीय आपको चैनल के माध्यम से, संविधान चौक पर बैठे हुए है राहुल जी की यात्रा को शुभकामना देते हुए तना नागपुरी बोल रहा है कि बदल डालो अंदाजे बया दिवाली के चौपड़ी का, बदल डालो अंदाजे बया दिवाली के चौपड़ी का, विज्ञान गया है चांद पे आदमी के खोपड़ी का। अरे जलाना है तो अंदर के नफरत की आग जलाओ, जलाना है तो अंदर के नफरत की आग जलाओ, लेकिन दिया न बुझ न पाए कभी किसी गरीब की झोपड़ी का, दिया न बुझ न पाए कभी किसी गरीब की झोपड़ी का। इसलिए बोल रहा है कि तोड़ना है तो जज्बात के दिल को तोड़ो, मगर आओ राहुल जी से जोड़ो, खुद को जोड़ो, आओ राहुल जी से यात्रा में खुद को जोड़ो, खुद को जोड़ो, खुद को जोड़ो। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ संविधान चौक नागपुर से शायर कवि तना नागपुरी जी। तो आप देखते रहिए आईबीएम टीवी 9 डब्ल्यूएच न्यूज, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद 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 धन्यवाद, क्या बात।